अगर आपको सज्जल मलंग मिल जाती है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? मैं एक मुरब्बा उनके नाम कर सकता हूँ और लाहौर में जहाँ चाहेंगे उनको घर लेके दे सकता हूँ। आपको सज्जल मलंग नहीं मिलती तो फिर आप क्या करेंगे? मैं खुदकुशी कर लूंगा, मर जाऊंगा उसके लिए। सज्जल से आप इतना इश्क क्यों कर बैठे यार? सज्जल की मुझे स्माइल जो है बहुत पसंद है, बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है। सजना तेरे पीछे रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे आशिक से कराने जा रहे हैं जो एंकर पर्सन सज्जल मलंग के इश्क में मुब्तला है। वो उसे ढूंढने के लिए हर उस जगह पे जाता है जहाँ जहाँ वो प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करने जाती है। मसलसल कई दिन कोशिश करने के बाद उस आशिक की मुलाकात मेरे साथ प्रोग्राम फटाफट की रिकॉर्डिंग के दौरान हो जाती है। वो मुझे अपनी सारी दास्तान सुनाता है और कहता है, अगर मुझे सज्जल मलंग ना मिली तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। आगे क्या है स्टोरी, आप खुद ही मुलाहिजा कीजिए। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खलील। अच्छा खलील साहब, आप लाहौर क्या करने आए हैं? हमारे नाज़रीन को थोड़ा डिटेल के साथ बताएं। मैं सज्जल मलंग के लिए आया हूँ लाहौर। वो हमारे गाँव में बहुत फेमस है, उससे मिलने के लिए आया हूँ। अच्छा। और सज्जल मलंग कौन है? सज्जल मलंग फंडे पॉइंट पे आती है, इंटरव्यू करती है और बहुत खूबसूरत है। बॉय। तो आपको कैसे पसंद आ गई? मैंने उसको सोशल मीडिया पे देखा था, काफी मैसेज किए थे, काफी दफा किए थे, टिकटॉक पे भी देखा है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं करती। तो आप अभी इतना कांप क्यों रहे हैं उसका नाम लेते हुए? बस मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। ओह नो। अच्छा, मोहब्बत क्यों करते हैं? मुझे पसंद है उसकी स्माइल, बहुत मुझे पसंद है, बहुत प्यारी है। अगर आपको सज्जल मलंग मिल जाती है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? मैं उसके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। उसके लिए मेरी जितनी भी जमीन है, प्रॉपर्टी है, मैं उसके सारी उसके नाम कर सकता हूँ। सजना तेरे पीछे रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। सज्जल मलंग से कितना प्यार करते हैं? बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। आप किधर के रहने वाले हैं? मैं दीपालपुर। दीपालपुर से। तो लाहौर कितना अरसा हो गया है, आपको ये यकीन था कि आपको सज्जल मलंग मिल जाएगी? जी मुझे यकीन था, मुझे 8 दिन हो गए उसको ढूंढ रहा हूँ। मैं ऐसे ही पार्कों में जाता हूँ लेकिन वो काफी दिन हो गए नहीं मिल रहे। कौन कौन से पार्क में गए? मैं रेस कोर्स, बाल्टी मार्केट, काफी मुख्तलिफ जगह पे गया हूँ लेकिन वो अभी तक नहीं मिली। तो अगर आपको आपकी मैं उनसे मुलाकात आज ही करा दूँ तो आपके क्या एहसास होंगे? मेरे लिए ये इससे बड़ी और क्या बात हो सकती कि मैं उससे इतनी दूर से आया हूँ उसको मिलने। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी, आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर। अच्छा, आप घर वालों को बता के आए कि मैं किधर जा रहा हूँ? जी बता के आया हूँ, मैं उनको बता के आया हूँ सज्जल मलंग से मिलने जा रहा हूँ। और हमारा पूरा गांव जो है ना उनका फैन है बहुत बड़ा। तो घर वालों ने आपको इजाज़त दे दी थी कि आप चले जाएं? जी उन्होंने दे दी थी इजाज़त। तो अभी फिर आप उनके नाम कितनी प्रॉपर्टी उनके नाम लगा रहे हैं? मैं एक मुरब्बा उनके नाम कर सकता हूँ और लाहौर में जहाँ चाहेंगे उनको घर लेके दे सकता हूँ। अच्छा। और 2-4 फैन से उनके लिए दे सकता हूँ ताकि खालस दूध पिया करें। आपको सज्जल मलंग नहीं मिलती तो फिर आप क्या करेंगे? मैं खुदकुशी कर लूंगा। Oh no. मर जाऊंगा उसके लिए। लेकिन एक दफा उसको मिलके जरूर जाऊंगा पीछे अपने गांव। ना यार, ये दुख ना दे, खुदकुशी वाला एक लड़की के लिए अपनी जान नहीं जाया करनी चाहिए। नहीं नहीं, वो लड़की पे मैं बहुत आशिक हूँ, फिदा हूँ। राय साहब, अगर तानू सर्दी है, इन्दे विच हुणी डुबकी मारनी पै जाए सज्जल नूं हासिल करन वास्ते, मारो दे। जी जरूर, बिना सोचे समझे मैं इसमें मारूंगा। बॉय। बल्कि ये इसे मरना भी पड़े इसमें तो मैं मर जाऊंगा सज्जल के लिए। सज्जल से आप इतना इश्क क्यों कर बैठे हैं यार? सज्जल की मुझे स्माइल जो है बहुत पसंद है, बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है। और भी तो इतनी एंकर्स हैं, और एंकर्स किसी की स्माइल नहीं आपको पसंद आई? बस खूबसूरती जो है वो हर बंदे में अपनी अपनी जगह पे होती है, इसकी मुझे स्माइल यहाँ खींच के ले आई। अच्छा जी खलील साहब, तुसी ना चंद मिनट इंतजार करो जी। मैं सज्जल मलंग नु आज बुलाया हुआ है, मैं जो ताड़े ना 4-5 दिन पहले वादा कीता सी
आप मिलवा दे तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। मेरे गांव वाले मुझे शायद देख रहे हो, देखें, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि मैं उसको कम से कम उसको वो मिल के तो वापस जाऊं। मैं बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ आया था कि उसको मैं जरूर मिल के जाऊँ। अच्छा नाजरीन, आपको बताते चलें, ये बंदा, ये जो राय खलील साहब हैं, ये मुझे 5 दिन पहले लिबर्टी मार्केट मिले थे। हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे, लोहरंग पे प्रोग्राम चलता है फटाफट के नाम से, उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे ये मुझे मिले थे। वहाँ पे इन्होंने मुझे, किसी ने इनको कहा था ये मीडिया वाले, इनसे आप मुलाकात करें, शायद ये आपका काम कर सकें। तो उस दिन मैंने इनसे वादा किया था, ये जो लड़की है सज्जल मलिक, मैं इनको जानता भी हूँ और बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, आपकी शादी का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये कि मैं आपकी मुलाकात ज़रूर कराऊँगा। तो आज मैं अपना वादा वफा कर रहा हूँ और आज इनकी मुलाकात सज्जल मलिक से कराने जा रहा हूँ। नाज़रीन, सज्जल मलिक को मैंने बिल्कुल नहीं बताया कि उनका कोई फ़ैन उनसे मिलने चाहता है। बस मैंने उनसे ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर ली थी कि जिस दिन आप रिकॉर्डिंग करें मुझे अपनी लोकेशन बता देना, मैं भी वहाँ पे आना है, आपसे मुलाकात करनी है। तो आज वो यहाँ पे रिकॉर्डिंग उसने कर ली है, अभी मेरी बात हुई है और मुझे नज़र भी आ गई है कि कहाँ पे खड़ी है। तो अभी मैं उस लड़के को साथ लेके जाता हूँ और मुलाकात कराता हूँ। राय साहब आए। सज्जल मलिक, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। मैं आपसे, आपको कब से कॉल कर रहा था यार, वो हमारी भी इंटरेस्ट है इसलिए भी बस था। अच्छा अच्छा, और आप कैसे चल रहे हैं? मुझे यही एक छोटा सा काम था इसलिए मैंने आपको कहा था, आप जिस लोकेशन पे हों तो मुझे बता देना। ये लड़का देख रही है, मैं बताता हूँ आपको, इधर आ जाए। ये जो लड़का है, ये लड़का मुझे 5 दिन पहले मिला था लिबर्टी मार्केट, और ये कह रहा है कि मुझे 8 दिन हो गए गांव से लाहौर में आपको ढूंढने के लिए आया हूँ। मैंने आपको बताया नहीं था, बताया नहीं था, लेकिन मकसद मेरा इनकी आपसे मुलाकात करवाना था, क्योंकि इन्होंने मुझे कहा था अगर मुझे सज्जल मलिक ना मिली तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। तो मैंने इसे कहा था भाई आपने खुदकुशी नहीं करनी, मैं आपकी मुलाकात ज़रूर कराऊँगा। ये प्रैंक चल रहा है सही? नहीं, सच्ची में 100% ये मतलब रियल है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, ये कोई ऐसा सीन है। ये मुझे रिकॉर्डिंग के दौरान मिले थे, लिबर्टी मार्केट फटाफट प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान। मेरे से ज्यादा ये कंफ्यूज हो रहे हैं। ये देख लिया सज्जल मलिक को? हाँ जी देख लिया। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, मुझे ये मिल गई। मैं 8 दिन से इनको ढूंढ रहा हूँ, आपके जरिए मुझे ये मिल गई। अच्छा जी, तो अभी आपको सज्जल मलिक मिल गई है, तो आप इनके लिए क्या कर सकते हैं? अभी मैं इनके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, ये जो बोलेंगी मैं इनके लिए कर सकता हूँ। मसलन? मसलन अभी तो फिलहाल मेरी जेब में मेरा क्रेडिट कार्ड है, वो मैं इनको दे सकता हूँ, जो मर्जी करें, यानी कि अपना खर्चा जो भी है कर सकती हैं मेरे क्रेडिट कार्ड से। अच्छा, आप कौन से गांव के रहने वाले हैं? मैं दीपालपुर के किनवाई गांव से हूँ। अच्छा, तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेगी, आपको यकीन है? हाँ, सज्जल कैसा लगा, आपका फैन है? यार इट्स अ सरप्राइज फॉर मी और इट्स अ स्ट्रेंज थिंग, बट ये आए आप, अस्सलाम वालेकुम अगेन, और मुझे अच्छा लगा। इन लोगों की वजह से हम लोग हैं, बाकी बहुत शुक्र, आई डोंट नीड एनी क्रेडिट कार्ड और ऐसी कोई मुझे चीज़ नहीं चाहिए, बट ऐसी मोहब्बत करते रहे, सपोर्ट करते रहे, और बस यही कहना। नहीं, वो ये तो कहता है कि मैं तो सज्जल मलिक से शादी करवानी है। शादी वादी अभी तो कोई सीन नहीं है सच, और क्या कहते हैं वो तो घर वालों ने देखना है, बट अगर आप आए स्पेशली मेरे से मिलने, आप क्या खाएंगे ये बताएं। बहुत शुक्रिया, बस खाया पिया हुआ आपका ही है सारा कुछ, आप मिल गए मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। आप कितनी दूर से आए हो? मैं काफी दूर से आया हूँ, दीपालपुर से आया हूँ, जिला उकाड़ा तहसील दीपालपुर। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही हूँ, 8 दिन से आपको ढूंढ रहा हूँ। सज्जल मलिक के लिए आप क्या कर सकते हैं? अभी ये इन पे डिपेंड करता है, जो बोलेंगे मैं करूँगा। मसलन आप काम क्या करते हैं? काम हम जमींदार हैं। अच्छा, जमीने हैं बहुत पीछे। तो आप अगर ये कोई कहे कि मैं एक मुरब्बा आपसे जमीन लगवानी है, मैं 2 मुरब्बे 4 मुरब्बे कर दूंगा इसके नाम। अच्छा। और कोई हुक्म करे तो। अभी आप रहते किधर है? मैं अभी इधर रेंट पे होटल में रह रहा हूँ। अच्छा जी। अच्छा, आप जब सोच के आए थे लाहौर में, आपको यकीन था कि सज्जल मलिक से मेरी मुलाकात हो जाएगी? जी, बस
यकीन तो नहीं था, बस थोड़े बहुत चांसेस थे। मैंने कहा पार्को शार्को मैं ढूंढूंगा जहाँ जहाँ वो इंटरव्यू करती है। काफी इनके बारे में मैं सर्च तहकीकात करके आया हूँ। क्या रिसर्च क्या है इसके वाले से की कहाँ कहाँ जाती है, कहाँ कहाँ इंटरव्यू करती है, कहाँ मुझे मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप मुझे मिले, आपके जरिए ये मुझे मिले, मेरे लिए ये बहुत एक बात है। दोस्त अब उसने आपकी शादी तो रिजेक्ट कर दी है, बस ये कि मुलाकात आपकी होगी। मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है कि मुलाकात होगी इनसे। अच्छा तो अब क्या करेंगे, कुछ सेल्फी वगैरह बनाना चाहेंगे? सेल्फी वगैरह तो बनाएंगे। अरे खुदकुशी तो नहीं करेंगे? पक्की बात है कि आप खुद 100% पक्की बात है। खुदकुशी वाला क्या सीन है? इन्होंने मुझे कहा था कि मुझे ना 5 दिन हो गए ढूंढते हुए उनको ना, ऑलमोस्ट तो काफी दिन हो गए मुझे ढूंढते हुए, अगर वो मुझे ना मिली तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो मैंने इसे कहा था दोस्त खुदकुशी ना करना, मुलाकात आपकी जरूर कराऊंगा, चंद दिन आप वेट कर लें, क्योंकि मैं इस एंकर को जानता हूँ। हाँ ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, लेकिन ये कि खुदकुशी वाकई नहीं करनी। और रही बात जमीनों की, कि ये कह रहे थे कि मैं जमीने नाम करता हूँ और दो मिनट में कर दूंगा नाम। आप ना भी शादी करो, मैं फिर भी कर दूंगा आपके नाम नहीं मिले। वो भाई मुझे नहीं चाहिए, बस आप रखिए, अल्लाह ताला आपको ही वो क्या कहते हैं देखना नसीब करे। बस बहुत शुक्रिया आपका और आने का। खाना पीना है तो बताओ, मैं खाना खिलाती हूँ आपको। अच्छा दोस्तों ये बिल्कुल भी ये जो स्टोरी है स्क्रिप्टेड नहीं है। ये लड़का दीपालपुर का रहने वाला किसी गांव का, वहाँ पे सज्जल मलिक की वीडियोस देखता था और वहीं से सज्जल मलिक से मिलने के लिए लाहौर में आया हुआ है। और ढूंढता मुझे मेरी इनसे मुलाकात होगी, तो 4-5 दिन बाद मैंने इनकी मुलाकात आज करवा दी है। अच्छा खलील साहब, सज्जल मलिक से आपकी मुलाकात होगी, उम्मीद है कि आप खुदकुशी नहीं करेंगे। अभी आपने कुछ सज्जल मलिक को कहना हो तो कह सकते हैं। बस क्या कहूँ, खुश हैं आप? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा मेरे गांव वाले देखेंगे तो वो बहुत खुश होंगे। गांव वाले से शर्त तो नहीं लगा के आए थे? मेरा शर्त ही लगा के आया था, मेरा पूरा गांव फैन है और आपका फैन है। चले जी बहुत शुक्रिया। मेरी सबसे अच्छी वीडियो कौन सी लगी थी आपको? सारी आपकी अच्छी होती है। सबसे अच्छी जो लगी? तो आपके सब में ही अच्छी लगती है। अच्छा मेरी सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या लगती है? स्माइल। चले ठीक है जी, बहुत स्माइल बहुत प्यारी है। सेल्फी भी आपने ले ली, और कुछ चाहते हैं आप? नहीं बस शुक्रिया, आपने मिले तो और क्या चाहना। इमोशनल और शर्मा रहा है लड़का। बस भाई अल्लाह ताला आपकी अच्छी लड़की से शादी कराए, जो मेरे से भी ज्यादा अच्छी हो। आपसे अच्छी कोई और हो ही नहीं। या मेरे अल्लाह। अच्छा जी, मेरे से अच्छी कोई भी नहीं हो सकती। कोई नहीं हो सकती, ये ऐसा वाकई सच्चा होता है कि भाई ये क्या था? मैंने कहा कि आपको एग्री कर लूंगा शादी के लिए, लेकिन आप नहीं मानी। देखिए भाई लालची लड़कियां लालची होती हैं, लेकिन मैं उस तरह की नहीं हूँ कि भाई जमीनों पे मान जाओ। हर चीज देने के लिए तैयार हूँ, पैसा दौलत तो हर चीज। अगर लाहौर में भी घर कहें तो यहाँ जहाँ चाहेंगे आपको लाहौर में घर देने के लिए तैयार हूँ। माशाल्लाह, लेकिन मुझे नहीं चाहिए घर। और बस यही है कि फैंस की मोहब्बत मिलती रहनी चाहिए। तो कितने घर है वैसे आपके? घर काफी है, 3-4 घर। 3-4 घर है। शादी आपने करनी कब है? शादी अब आप तो मानी ने, आपके पीछे था मैं। अब कोई ये तो छोटी बात है, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं नहीं आप मानी नहीं, अब कोई और किसी और के पीछे पड़ेंगे तो फिर ही बात बनेगी। अच्छी बात है, किसी और के पीछे ही पड़ जाओ भाई। बहुत शुक्रिया आपका। खैर नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।